मेरी हार्ट की प्रॉब्लम है, मेरा अपना भी हार्ट का इलाज चल रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम है, मेरे को तो काम भी बंद है ये करना, और काम छोड़ते हैं तो भूखे मरते हैं, क्या करेंगे। अब डेली कितने छोले बनाते हो? मैं 2 किलो छोले बनाता हूँ, 4 किलो आटा लगाता हूँ, बस इतना ही लगता है मेरा। आप इतना कम क्यों लेके आते हो? लगता है इतना है, बस इतना ही लगता है, इतना ही लगता है, ज़्यादा लगता भी नहीं है, बच जाता है। टूटी पड़ी रेड़ी है, टूटी रेड़ी भी बना सकते हैं, घर का खर्चा पूरा करेंगे रेड़ी को बनाए, दुकान तक नहीं ले सके हम अपनी, इतने साल हो गए हमारे को। कितने रुपए की प्लेट है एक नान की? नान की प्लेट, नान की प्लेट तो पहले तो 30 रुपए की प्लेट थी, 20 का 1 था, अब जब से महंगाई हो गई, आलू प्याज महंगे हो गए, चने महंगे हो गए, रिफाइंड महंगा हो गया है, उसमें हमने ये 35 रुपये की ये रेट लिखा हुआ है, 20 का 1 और 35 के 2, 5 रुपये बढ़ा लिया हमने। अब बस 5 रुपये बढ़ाए, इतनी महंगाई हो, 5 ही इतने बनते हैं, बस 5 ही बढ़ाए हैं, वो भी कहते हैं अभी 15 का करो, 30 के करो, 5 भी महंगे हैं। अगर आप और बढ़ाओगे तो आएंगे नहीं, फिर कस्टमर नहीं आएंगे, 5 रुपये भी आ जाते हैं। हार्ट की दवाई भी महंगी है, वो भी खानी पड़ती है, वो भी डेली खानी है, हार्ट की दवाई तो खानी खानी है, ग्लूकोज आ गई थी हार्ट की, उसकी वजह से चल रहा है इलाज, अब तो दवाई तो सारी उम्र की दवाई है, ये तो खानी पड़ेगी। 20 रुपये का 1 है जी, 20 का 1 है, 35 के 2 है। ये क्या डाला अंदर? इसमें इसमें हम आलू डालते हैं, आलू मैच करके इसमें आलू डालते हैं, मैदा होता है ये, मैदे में दही डालते हैं, मैदा गूंथते हैं, जब इसमें आलू डालते हैं, फिर उसके ऊपर बटर लगाते हैं, इसके ऊपर बटर से हम फिर उसको भट्टी के अंदर, दूर के अंदर लगा देते हैं तपती भट्टी में पकने के लिए। ये चने हैं, ये चने बना के रखे होते हैं इनके साथ देने वास्ते, लो जितने लोग, ये चने हैं, ये मूली है, प्याज महंगा हो गया इसलिए मूली लगा रहे हैं, ये ऊपर क्या डाला है? ये चटनी, मूली चटनी, ये चटनी डाली है इसके ऊपर, ये पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, अदरक पड़ती है इसमें। कितना टाइम लगता है इसको रेडी होने में? इसमें 5 मिनट लग जाते हैं बस बनने में, अगर आज तेज कर देंगे तो जल्दी बन जाएगा, पर बीच बीच से कच्चा हो जाएगा, उससे लाल हो जाएगा, ये धीमी आंच में बजाना पड़ता है इसको, आंच कम हो फिर बनता है, कोले के ऊपर बनता है ये ऐसे तो बनते, देखो इसके ऊपर ना अब मैंने फेंक दिया इसको, ज़्यादातर वो लकड़ पे बनाते हैं ना लोग, दूसरे कोले पे बनाते हैं, पत्थरी कोले पे, हम इसको लकड़ पे बनाते हैं, लकड़ पे इसको देखो, अब ये देखो कैसे बाहर आएगा ये नान, देखो देखो ठीक है, अब इधर से भी बन गया, इधर से भी बन गया, अभी और गाड़ देते हैं, थोड़े और बना देते हैं, इसको करारा कर देते हैं, गाय की मर्जी होती है ना, गाय के बोलता करारा, लाल कर दो लाल कर देते हैं, वाइट रखो वाइट रख देते हैं, उसके ऊपर इसके ऊपर बटर लगाना है, पहले भी लगाया था बटर मैंने, और फिर इसके ऊपर बटर लगाना दोबारा। चलो अब हम करते हैं इनके छोले नान टेस्ट, ये देखो इतने अच्छे दिख रहे हैं, देखो आलू की स्टफिंग की हुई है, अब करेंगे हम टेस्ट, नान तो यार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बट एक बात मुझे बहुत ही इमोशनल कर गई, ये देखो कितने, इतनी उम्र होगी अभी तक ये काम कर रहे हैं, इतनी उम्र होगी इनकी अभी तक ये काम कर रहे हैं, और इनके हार्ट के पेशेंट है, और इनकी ये देखो ऊपर वाली छत, 35 साल हो गए,
इन्होंने सारे पैसे दवाइयों में, घर का खर्चा कहाँ से निकलेगा यार, इतनी महंगाई में भी इतना अच्छा टेस्ट दे रहे हैं और इतने कम पैसे में। मैं सभी को ये गुजारिश करना चाहता हूँ, अपने व्यूअर्स को हाथ जोड़ कर कहना चाहता हूँ कि यार इनकी मदद करें या खा के मदद कर दो, अगर कुछ डोनेट हो सके तो कुछ डोनेट कर दो। आप इनकी कंडीशन देख सकते हो, इतने उम्र हो के भी ये काम कर रहे हैं यहाँ पर। मैं सभी को ये गुजारिश करता हूँ इन पर आएं, इनके छोले नान टेस्ट करें। ये भी नहीं है कि इनका टेस्ट अच्छा नहीं है, टेस्ट बहुत ही बढ़िया है, पैसे के मुकाबले में टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दे रहे हैं। सभी बच्चे भी खा सकते हैं, ऐसे मसाले यूज़ किए हुए हैं इन्होंने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार यहाँ पर आओगे ना, अभी अंकल का नेचर भी बहुत मुझे बहुत बढ़िया लगा, अंकल के देख के ना मुझे इमोशनल हो गया था मैं एक बार। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मत करना, चाहे शेयर ज़रूर कर देना कि लोगों को पता चले कि यार किसी की मदद तो करो यार। मैं अब आपको लोकेशन बता देता हूँ शेरे पंजाब मार्केट में, और अंकल से पूछते हैं, अंकल आपकी लोकेशन, करंट लोकेशन क्या है यहाँ पर? शेरे पंजाब मार्केट अपना बजाज सन गौशाला रोड है ये, और ये आर्य समाज रोड के ऊपर ही पड़ जाता है गौशाला रोड। अंकल ने अपनी लोकेशन बता दी है, आप यहाँ पर आके छोले नान टेस्ट कर सकते हो और इसी बहाने इनकी थोड़ी मदद हो जाती है। अगर आप खाना नहीं है आप डोनेट भी कर सकते हो यार, प्लीज़ यहाँ पर आके आप कुछ ना कुछ इनके योगदान ज़रूर दें। मैं सभी को ये गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ यार, थैंक यू।